हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस। आज तारीख है 12 अगस्त, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग इज कि हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं इनमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। नाउ सी, लेट मी टेल यू कि देखिए, यहाँ न्यूज़पेपर में या इवन यूट्यूब पे कई वीडियोस में भी आप देखेंगे, काफ़ी कुछ आपको एक एक डिटेल में सेक्शन बाय सेक्शन बताया जाएगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी की बात करें, जो आपका एग्ज़ाम जो आपको अपीयर करना है, आप खुद के लिए जानना चाहें तो दैट्स डिफरेंट थिंग। बट अगर एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पे से चार पर्सपेक्टिव हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक है सेडिशन लॉ में क्या चेंजेस किए गए हैं, ओके। दूसरा, विमेन के सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड कुछ चेंजेस हुए हैं। थर्ड इज मॉब लिंचिंग, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को एक लॉ लाने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट इज क्राइम को लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं, ओके। टेररिज्म को डिफाइन किया गया है फर्स्ट टाइम, ओके। तो इनसे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं, बस हमें उनके बारे में जानना है। लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, आपकी यूपीएससी के लिए वो पूरा काम कर नहीं है। और ना ही आप इधर उधर यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कीजिए जो पूरा एक घंटे का लेक्चर आपके लिए बना रहे हैं कि इसमें एक एक सेक्शन आपको समझा रहे हैं। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग, इंडियन पीनल कोड ये लेकर आए थे 1860 में, मकाउले कमीशन जो बनी थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर, ओके। तो इसको चेंज किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता से, ओके। फिर था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दो इसे कहा जाता है कि ये 1973 में हम लोग लेकर आए, बट अल्टीमेटली इसको ओरिजिनली इनैक्ट किया गया था 1898 में, तो ये भी एक कॉलोनियल हैंगओवर ही है, ओके। इसको रिप्लेस किया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एंड थर्ड वन इज एविडेंस एक्ट, ये आया था 1872 में, अगेन कॉलोनियल लॉ, इसको चेंज किया जाएगा भारतीय साक्ष्य से, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्या चेंजेस किए गए। तो फर्स्ट थिंग, इन तीनों को रिप्लेस किया जाएगा, ओके। तो यहां पर ये सब नाम दिए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य, ठीक है। अब इसमें न्यू प्रोविजंस क्या ऐड किए गए, एक किया गया है मॉब लिंचिंग पर, ओके। इसे पनिश किया जाएगा बाय 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी, अभी ये सब डिटेल में बात करेंगे। इनेबलिंग स्पीडी जस्टिस थ्रू वीडियो ट्रायल्स के थ्रू भी अब केस की सुनवाई हो सकेगी। ई फाइलिंग ऑफ FIR, एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन पे भी अभी डिटेल में बात की जाएगी। ब्रिंगिंग करप्शन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम अंडर द पीनल लॉज। इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी सर्विस फॉर पैटी ऑफेंसेज, जो माइनर ऑफेंसेज होते हैं उनके लिए आपको सजा नहीं दी जाएगी, सिर्फ कम्युनिटी सर्विस करनी होगी आपको। कोई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एज न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, होल्डिंग ट्रायल इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड, अभी हम इस पर बात करेंगे। एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वेमेन पर्टेनिंग टू सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, ओके। तो फिर होम मिनिस्टर ने कहा दिस विल हैव एन इंडियन स्पिरिट एंड इथॉस, एंड हम कॉलोनियल जो हैंगओवर है उससे दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंचिंग की। 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिंचिंग के लिए गवर्नमेंट एक सेपरेट लॉ इनेक्ट करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ प्रोविजंस, कोडिफाइंग ऑफेंसेस लिंक टू मॉब लिंचिंग एंड हेट क्राइम मर्डर विद पनिशमेंट विच एक्सटेंड फ्रॉम 7 ईयर टू डेथ। कुछ फेमस ऐसे केस हुए थे जहां पर किसी मॉब ने कुछ लोगों को मार दिया था सिर्फ इस प्रिटेक्स्ट पर कि आपने घर में बीफ रखा हुआ है, ऑलराइट। तो इस तरह की जो मॉब लिंचिंग की जाती है एट इन द नेम ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी और पर्सनल बिलीफ, तो इन बेसिस पर अगर आप मॉब लिंचिंग करते हो तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है 7 साल से लेकर डेथ पेनल्टी तक, ऑलराइट। इसके लिए इंसर्ट किया गया है सेक्शन 101, इट विल डील विद द पनिशमेंट ऑफ मर्डर। And section 2 has been introduced which deals with punishment for crimes linked to mob lynching and hate crimes. अब government ने यहाँ पर ये condition क्यों रखी है कि group of 5 or more, क्योंकि अगर आप जब section 144 लगाते हो तो आप उसमें रखते हो group of 4,
कि आप चार से ज्यादा लोग या चार या उससे ज्यादा लोग एक जगह नहीं खड़े हो सकते। यहाँ पर 5 क्यों रखा गया है ये गवर्नमेंट ही बेटर जानती है। नाउ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। इट विल इंस्टिल ए सेंस ऑफ फियर फॉर लॉ। फॉर द फर्स्ट टाइम देयर कुड बी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंसिडेंट्स रिलेटेड टू लिंचिंग एंड हेट क्राइम्स। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक क्या है कि ऐसा कोई डेटा या रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जाता था कि मॉब लिंचिंग से कितनी डेथ हुई है। लेकिन अब इसको इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाने के बाद एनसीआरबी को अलग से एक सेपरेट डेटा मेंटेन करना होगा मॉब लिंचिंग का। ऑलराइट, एनसीआरबी डज नॉट मेंटेन सेपरेट डेटा फॉर मॉब लिंचिंग, बट अब करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट वन टू रिमेंबर इज दैट मॉब लिंचिंग को एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बनाया गया है। नॉन बेलेबल मतलब इसमें आपकी बेल नहीं हो सकती, कॉग्निजेबल मतलब बिना कंप्लेन के भी पुलिस आपके खिलाफ केस रजिस्टर कर सकती है, और नॉन कंपाउंडेबल इसका मतलब होता है कि कल को अगर आपने जिसके साथ लिंचिंग की है उसकी फैमिली के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहें कुछ पैसे देकर या किसी भी तरीके से, तो वो नहीं हो सकता। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। क्लियर, पनिशमेंट विल बी लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू ₹5 लाख। ओके, और ये डिफाइन करता है लिंचिंग को, प्रॉपरली डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये चार प्रोविजन है लिंचिंग से रिलेटेड जो आपको जानने होंगे। पनिशमेंट क्या है 7 से लेके इंप्रिजनमेंट तक, ठीक है, इसने डिफाइन किया हुआ है लिंचिंग को। ठीक है, तीसरा कॉग्निजेबल, नॉन बिलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बनाया है इसको। फोर्थ, अब इसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन है तो एनसीआरबी को इसका प्रॉपर डेटा मेंटेन करना होगा। क्लियर, ये आपके एग्जाम के लिए इतना काम का है। और तो ये बात हो गई लिंचिंग की। अब हम आते हैं ट्रायल्स में जो चेंज किए गए हैं कि अब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी ट्रायल कर पाएंगे, और कम्युनिटी सर्विस एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। देखिए, जैसे क्या होता है कि कई बार जैसे एक केस आया था जहां पर किसी धार्मिक किताब को जलाया जाए या फाड़ा जाए, ओके, तो ऐसे केस में पनिशमेंट देने की बजाय, क्योंकि आपने सेंटिमेंट हर्ट किए हैं दूसरी कम्युनिटी के, तो आपको क्या कहा जाता है कि ठीक है आप बहुत सारी धार्मिक किताबें लीजिए, जैसे गीता हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, इनको लीजिए और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए पब्लिक में। ओके, ये तरह की कम्युनिटी सर्विस होती है कि आपसे जाने अनजाने में जो गलती हुई है कि आपने उस किताब का अपमान किया है, तो वो धार्मिक ग्रंथ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जैसे क्या हुआ था कि एक बार एक ने मुस्लिम कैप चलाई थी, ओके, जो मुस्लिम लोग पहनते हैं, तो फिर कोर्ट ने उस पर सजा दी थी कि आपको कुछ 100 या 200 कैप मुस्लिम बच्चों में बांटनी होगी। ऑलराइट, तो उसमें पनिशमेंट की बजाय कम्युनिटी सर्विस सर्विस इंपोज कर दी जाती है क्योंकि वो ऑफेंस माइनर था। क्लियर, तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ FIR। तो अब आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं अपनी FIR अगर आप किसी वजह से जैसे नहीं जा पा रहे हैं पुलिस स्टेशन। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको किसी ने ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे अब्यूज किया है, या आपकी फैमिली को, या आपको थ्रेट किया है किसी तरह का, तो आप ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन के अंदर जाके आपको साइन करने होंगे फिर। ठीक है, तो ये एक प्रोविजन है। नेक्स्ट इज ट्रायल ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस। ये काफी टाइम से बात की जाती थी कि हमारे यहाँ जो जुडिशियरी में जो ट्रायल्स इतनी डिले होती हैं, ठीक है, कि आज वकील नहीं आया तो आज जज साहब नहीं आए, या सामने आज जो एविडेंस देने वाला था वो नहीं आया, या जिस पर केस है वो खुद ही नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है तारीख पे तारीख चलती रहती थी। तो ठीक है, अगर जज साहब नहीं आ पा रहे हैं, वकील नहीं आ पा रहा है, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ट्रायल कर लीजिए, ऑलराइट, ताकि जस्टिस जल्दी मिल सके। नेक्स्ट इज रेकग्नाइजिंग हेट क्राइम्स दैट इन्वॉल्व मर्डर बाय अ मॉब। इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है। नाउ अब ये जो कम्युनिटी सर्विस है ये क्या है, एक तरह से ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर सम ऑफेंसेस इंक्लूडिंग स्मॉल थेफ्ट, डेफेमेशन या अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। ये बात याद रखिएगा, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड पे के लिए भी कम्युनिटी सर्विस ही इम्पोज की गई है। ऑलराइट, एंड कीप ए पब्लिक ऑफिशियल फ्रॉम डिस्चार्जिंग हर ड्यूटी। जैसे अगर पुलिस कहीं पे सपोज रेड करने जाती है, अब वहां पे क्या है कुछ लोग खड़े हो जाते हैं कि अगर आप आए तो हम अपने आप को जला लेंगे, तो इस तरह से अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो पुलिस को उसके काम में, तो भी आपको कम्युनिटी सर्विस इम्पोज की जा सकती है। और जैसे कई बार क्या होता है कि अतिक्रमण तोड़ने गए अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन, तो महिलाएं सामने खड़ी हो जाती हैं कि ये बुलडोजर हमारे ऊपर से चढ़ के निकालो आप। ठीक है, फिर पुलिस उनको हटा तो देती है जबरदस्ती, लेकिन आपने जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश की है उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलती है। तो
तो वो पनिशमेंट अब एक ऑल्टरनेट फॉर्म में कम्युनिटी सर्विस के तौर पे भी दी जा सकती है। नाउ क्योंकि हमारे यहाँ पता है कि हमारे यहाँ जो प्रिजन में जो लोग हैं उनमें से ऑलमोस्ट 67% अंडर ट्रायल्स हैं, जिनकी ट्रायल ही पूरी नहीं हुई है। और कई बार तो ऐसा है कि उनपे जो चार्जेस लगे हैं उसमें सजा होनी चाहिए मुश्किल से 3 महीने, लेकिन वो 3 साल से अपने ट्रायल का ही इंतजार कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ऐसे केसेस छोटे हों, जो जैसे छोटी किसी ने चोरी की है, 3 महीने की सजा होनी चाहिए, तो उसके बदले में आप कम्युनिटी सर्विस इम्पोज कर दो, उसको वहां जेल में मत भेजो, ठीक है? क्योंकि कई बार उसके ट्रायल का नंबर नहीं आया। और फिर हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि प्रिजन की ओवरक्राउडिंग हो रही है। ऑलराइट, तो ऐसे लोगों पर कम्युनिटी सर्विस इम्पोज की जा सकती है एज ए पनिशमेंट टू कीप दैम आउट ऑफ प्रिजन फॉर फर्स्ट टाइम कन्विक्ट। यहाँ पे फर्स्ट टाइम कन्विक्ट की बात हो रही है, जैसे किसी ने पहली बार से चोरी की, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना कि माँ की दवाइयों के लिए जरूरत थी पैसे की, तो उसने चोरी कर ली। अरे, तो इस टाइप की जो फर्स्ट टाइम कन्विक्ट है उन पे कम्युनिटी सर्विस इम्पोज की जा सकती है। ऐसा नहीं कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो चोरी चकारी ही कर रहे हैं हमेशा से, ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए नहीं, उनको तो प्रॉपर पनिशमेंट दी जानी चाहिए। ऑलराइट, नाउ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इट अलाउज फॉर फाइलिंग ऑफ FIR टू द पुलिस बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट, संहिता ऑल्सो अलाउज फॉर एंटायर ट्रायल इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस टू बी कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विच अलाउज फॉर स्पीडी ट्रायल। ऑलराइट, मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि सारे एक एक चीजें डिस्कस करूँ जो कि आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा आपको। तो बींग ए फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ऐसे गलत मिसगाइडेड वीडियोस में अपना टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट, इट इंट्रोड्यूस प्रोविजंस कोडिफाइंग ऑफेंसेस लिंक्ड टू मॉब लिंचिंग एंड हेट क्राइम। इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका और कंटिन्यूएशन है आगे। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन इतने सारे चेंजेस में मैरिटल रेप को टच नहीं किया गया है। कि मैरिटल रेप की डिमांड की जाती है कई बार कि आप मैरिटल रेप को भी क्राइम बनाइए, बट प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि चलिए देखिए, मैरिड लाइफ जो है इट्स समथिंग लाइक बिहाइंड द फोर वॉल्स। ओके, तो अब अगर कल को ऐसे कोई केस आता है तो आप किन एविडेंस पे रिलाई करेंगे कि ये कंसेंशुअल नहीं था, फोर्स था? ठीक है, तो आप किन एविडेंस पे रिलाई करेंगे, वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो कई लोगों का मानना है, एक पक्ष कहता है कि ये एक ब्लैकमेलिंग टूल बन जाएगा कि आपने किया तो मर्जी से, लेकिन बाद में कुछ मैटर हुआ, लड़ाई हुई और आपने मैरिटल रेप का केस फाइल कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि कोई चीज जो प्राइवेट में हो रही है उसके लिए एविडेंस, क्या एविडेंस रखे जाएंगे, वो एक बहुत सीरियस कंसर्न है। ओके, तो आप ऐसा भी नहीं चाहते, क्योंकि वैसे हमारे यहाँ पे जो लॉस हैं वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, वो काफी हैविली टिल्ट हैं टुवर्ड्स द वेमेन। क्योंकि चाहे वो डॉरी एक्ट हो, फिर आपका डोमेस्टिक वायलेंस के और एक्ट हो, दे आर नॉट जेंडर न्यूट्रल। सिर्फ पॉक्सो एक ऐसा एक्ट है जो जेंडर न्यूट्रल है। अगर 17 साल का लड़का लड़के के साथ भी कुछ गलत हुआ है तो भी केस उतना ही स्ट्रांग बनता है जितना 17 साल की लड़की के अगेंस्ट कुछ हुआ हो। ओके, सिर्फ वो एक एक्ट है जो जेंडर न्यूट्रल है। तो यहाँ पर मैरिटल रेप को टच नहीं किया गया है, लेकिन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स आप एक माइनर वाइफ के साथ कर रहे हैं तो वो रेप माना जाएगा। ठीक है, माइनर वाइफ के साथ अगर आप उसकी मर्जी से भी कर रहे हो तो वो रेप माना जाएगा। ठीक है, तो हमने दो पर्सपेक्टिव देख लिए। तीसरा हमें देखना है सबसे इंपॉर्टेंट, सेडिशन को लेके क्या चेंज हुआ है। देखिए, सेडिशन लॉ आता था अब तक सेक्शन 124A में, ये लेकर आए थे ब्रिटिशर। इसके अंडर में सबको पनिशमेंट दी गई है, जो जो हमारे उस टाइम फ्रीडम फाइटर थे। सबसे पहले जर्नलिस्ट जो जेल गए थे इसमें वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओके, फिर सेडिशन लॉ लगा है बाल गंगाधर तिलक पर भी, महात्मा गांधी पर भी, और कई लोगों पर लगा है, अबुल कलाम आजाद पे भी लगा है। ठीक है, तो ये कॉलोनियल टूल था जो यूज किया जाता था लोगों की आवाज दबाने के लिए। तो आज 75 साल तक इसको क्यों कैरी ऑन किया गया, इसको लेके हमेशा डिबेट चलती रही, जिसकी जरूरत क्या है। क्योंकि कई बार क्या हुआ है, जैसे एक हथरस का केस आया था तो उसमें एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी कर रहा है तो उसको सेडिशन मान लिया जाता था और उसको पनिश किया जाता था। बट एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना अलाउड होता है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप ये ना कह रहे हो लोगों को कि हथियार उठाओ और इस सरकार को गिरा दो। ओके, उस तरह का वायलेंस परपिट्रेट नहीं कर सकते। तो इस सेडिशन लॉ को फाइनली अब रिपील किया गया है और इसको रिप्लेस किया जाएगा नए सेक्शन 150 से, जो कि डिफाइन करता है अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट।
और अब मेन बात यह है कि ऑलमोस्ट इसकी जो डेफिनेशन थी वो ऑलमोस्ट सेम ही रखी गई है। पहले तो पनिशमेंट देख लेते हैं, तो पनिशमेंट होगी 7 ईयर्स से लेकर लाइफ तक की, फॉर एक्ट्स दैट एंडेंजर सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड इट वाइडन्स द एम्बिट टू इंक्लूड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ सेक्शन 150 ऑफ द न्यू बिल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द वर्ड सेडिशन। सिर्फ सेडिशन वर्ड यूज नहीं किया गया है, बट कहीं ना कहीं जो डेफिनेशन थी वो ऑलमोस्ट पैरेलल ही है। ठीक है, सेडिशन को जिस तरह डिफाइन किया जा रहा था उसी को अब सेक्शन 150 में डिफाइन किया जाएगा। ऑलराइट, नाउ अब ये क्या कहता है सेक्शन, हूएवर पर्पसली और नोइंगली ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और बाय इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे इस वर्ड को जरा ध्यान से देखिएगा, पर्पसली और नोइंगली। ठीक है, अभी इस पर कुछ बात करनी है हमें। पर्पसली एंड नोइंगली ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन अदरवाइज एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट सेसेशन, यानी कि देश से अलग होना, जैसे हम कहते हैं ना सेसेशनिस्ट मूवमेंट खालिस्तान की, कि हमें पंजाब अलग देश बनाना है। ठीक है, उसे कहते हैं सेसेशन। दूसरा आर्म्ड रेबिलियन, जैसे नक्सलाइट्स वगैरह करते हैं कि हथियार उठा लो सरकार के अगेंस्ट। थर्ड इज सबवर्सिव एक्टिविटीज, इस वर्ड को भी अभी ध्यान रखिए, इस पर भी कुछ बात होगी। एंड एनकरेज फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है, फर्स्ट थिंग तो कि डेफिनेशन जो थी वो तो आपने ऑलमोस्ट सिमिलर रखी है। ठीक है, आपने सिर्फ उसमें एक अच्छे वर्ड ऐड कर दिए हैं, दैट इज नोइंगली और पर्पसफुली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि अब आपने इसका जो एम्बिट वाइडन किया है ना, उसमें दो चीजें आपने इंक्लूड की है। एक है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर आप फाइनेंस भी करते हैं ऐसी किसी मूवमेंट को या इशू को जो सरकार के अगेंस्ट काम कर रही है या देश के अगेंस्ट काम कर रही है। अब कई बार क्या होता है कि अनविलिंगली ही आपने पैसा कहीं भेजा था और वो गलत काम में यूज हो गया। ठीक है, अननोइंगली, आपको नहीं पता था कि सामने वाला ये पैसा किस चीज में यूज करने वाला है। तो जब कोई चीज अननोइंगली होती है तो उसमें भी आपको अरेस्ट कर लिया जाता था, बट अब कहा गया है कि नोइंगली एंड पर्पसफुली, कि आपने वो पैसे वो ट्रांजेक्शन उस पर्पस के लिए ही किया था और जानते हुए किया था कि ये पैसा किस चीज में यूज होगा। ठीक है, जैसे कि अभी जो केस आया था फर्स्ट पोस्ट का, जहां पे कहा गया कि चाइना या फॉरेन से फंडिंग मिलती है इनको मोदी सरकार और देश के अगेंस्ट न्यूज चलाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि ये पैसा हम देश के अगेंस्ट न्यूज चलाने के लिए दे रहे हैं, तो ऐसे में आप पे ये केस फाइल होगा। ऑलराइट, दूसरा एक और चेंज किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी अगर आप कुछ करते हैं तो अब ये ऑफेंस माना जाएगा। अभी देखिए ऐसा नहीं है कि अभी तक था नहीं ये, कि अगर आप ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे सरकार के या देश के अगेंस्ट कुछ लिखते हो तो वो क्राइम नहीं है। वो क्राइम तब भी था, लेकिन पहले ये चीज इम्प्लिसिट थी, जो इसकी डेफिनेशन में वर्ड यूज हो रहे थे ना, ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन, तो उसी में इम्प्लिसिट था कि आपने ये वर्ड कहीं भी लिखे हो, चाहे आपने पेपर या प्ले कार्ड पे लिख के खड़े हो गए हो कहीं स्ट्रीट पे कुछ गलत लेकर, ठीक है, या आपने सोशल मीडिया पर लिख दिया। पहले की चीज इम्प्लिसिट थी लेकिन अब एक्सप्लिसिट कर दी गई है। ओके, नाउ इट हैज बीन मेड एक्सप्लिसिट। तो अब आप चाहे व्हाट्सएप पे कुछ कर रहे हो, ट्विटर पे कर रहे हो, या प्राइवेट जो चैट होती है उनमें कर रहे हो, अब अगर आप देश के अगेंस्ट कुछ भी करते हो एंटी नेशनल एक्टिविटी, तो आप लाइबल हो इस चीज के लिए। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें समझनी होगी कि एक तो इन्होंने इसकी जो एम्बिट था उसको वाइडन किया हुआ है, और दूसरा ये जो वर्ड यूज किए हैं नॉइंगली एंड पर्पसफुली, ये दो चेंज किए गए। यानी कि अगर लोग ये कहें कि देखिए 124A गया नहीं है, वो अभी भी है, हाँ इनडायरेक्टली होगा, ठीक है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ चेंजेस हैं, और ये दो बड़े चेंजेस मैंने आपको ऊपर बताए। ठीक है, तो अब जो यहाँ आर्टिकल में लिखा है वो भी देख लेते हैं। पनिशमेंट क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। नाउ क्लियरली दिस इज डिस्टिंक्टली डिफर फ्रॉम सेक्शन 124A। पहला डिफरेंस क्या, ये आपने फ्रेज ऐड किया है पर्पसली और नोइंगली, ओके, सिग्निफाइंग द प्रेजेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, यानी कि आपने जो भी किया था वो आपको पता था, आपने क्रिमिनल इंटेंट से ही किया है वो। सेकेंड, दिस न्यू सेक्शन एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस बाय एनकम्पासिंग द टर्म्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक
कम्युनिकेशन एंड यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स इन विच वॉज इम्प्लिसिटली बिफोर एंड नाउ बीन मेड एक्सप्लिसिटली, ठीक है? तो दिस कुड पोटेंशियली इंक्लूड योर व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट एंड प्राइवेट फॉरवर्ड्स। ये दो बड़े चेंजेस हैं जो पहले नहीं थे बट अब हैं। सेक्शन 124A में नहीं थे, सेक्शन 150 में इंक्लूड किए गए। नाउ सेक्शन 150 एक्सप्लिसिटली इंट्रोड्यूस यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन इनेबलिंग द लॉ टू चार्ज द अक्यूज्ड पर्सन विद एलिज वायलेशन लिंक टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसके अलावा इन कंट्रास्ट टू सेक्शन 124, सेक्शन 150 स्पेसिफाइज फोर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेज। ये चार और ऑफेंसेज को अलग से ही बताता है। फर्स्ट, एंगेजिंग इन सेसेशन, यानी कि एग्जाम्पल खालिस्तान मूवमेंट। थर्ड, पार्टिसिपेटिंग इन एनी आर्म्ड रेबेलियन, फॉर एग्जाम्पल नक्सलाइट मूवमेंट्स। अंडरटेकिंग सबवर्सिव एक्टिविटीज। अब देखिए, सबवर्सिव एक्टिविटीज जो है ना, मतलब जो भी स्टेट को सब्जुगेट करे, ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट हो या स्टेट की गरिमा को कम करे, ठीक है, तो ये सबवर्सिव एक्टिविटीज डिफाइन नहीं किया गया है। और ये बहुत सीरियस चैलेंज है कि ये बहुत वेग टर्म है, इसका मिसयूज बहुत ईजिली हो सकता है। सबवर्सिव एक्टिविटीज, ठीक, इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है कि आप किस एक्टिविटी को, किस बिहेवियर को सबवर्सिव एक्टिविटी मानोगे, ठीक है? या जो हथरस में हुआ कि रातों रात लड़की की बॉडी को जला दिया गया बाय पुलिस, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, तो इस तरह की बातों के अगेंस्ट अगर हम वॉइस रेज करते हैं तो क्या वो सबवर्सिव एक्टिविटी मानी जाएगी? ओके, तो ये जो वर्ड डिफाइन नहीं किया गया ना, ये एक लूप होल छोड़ दिया है इसमें। और फोर्थ है, एनकरेजिंग फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें अलग देश बनाना है अपने स्टेट को, इस टाइप की चीजें। नाउ सेक्शन 150 डज नॉट डिफाइन सबवर्सिव एक्टिविटीज। दिस सबवर्सिव एक्टिविटी इज टू वाइड, इसको मिसयूज किया जा सकता है कई तरीके से। सेक्शन 50 ड्रॉप द टर्म एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट दिस अफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ये ड्रॉप करके एक अच्छा काम किया है कि पहले क्या होता था कि कुछ भी अगर आपने सरकार के अगेंस्ट बोला तो मान लिया जाता था कि आप डिसअफेक्शन एक्साइट करने की कोशिश कर रहे थे सरकार के खिलाफ। तो कई कमिटीज ने इसको रिकमेंड करके ऐसा कहा था कि देखिए ये वर्ड बहुत मिसयूज किया जाता है, आप इसको ऐसा कर दीजिए कि आप वायलेंस एक्साइट कर रहे हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है? डिसअफेक्शन क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे आप उसको? ठीक है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना भी डिसअफेक्शन हो सकता है आपकी नजर में, ठीक है? तो इस तरीके से कई जर्नलिस्ट को पनिश किया गया है पहले। इसीलिए ये जो चेंजेस किए गए सेडिशन लॉ में, दे आर वेलकम एक्सेप्ट दैट वन वर्ड, उसको आपको प्रॉपरली डिफाइन करना जरूरी है वरना उसका मिसयूज होगा काफी, ठीक है? तो ये हमने इसमें जितने चेंजेस किए गए उसमें से हमने जो भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर लिया है, ठीक है? आई विल अगेन टेल यू कि आप प्लीज यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा इसमें, आप एक एक सेक्शन एक एक वर्ड में मत जाइएगा, उसकी जरूरत नहीं है आपको। एक और चीज रह गई थी, हाँ यहाँ पे मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या है। हाँ, विमेन को लेकर एक और इशू था, डिसीटफुल प्रॉमिस टू मैरी। अब देखिए क्या होता है कि कई बार कुछ जो अफेयर होते हैं, कुछ रिलेशन होते हैं, उसमें आदमी मैरिड है बट वो बताता नहीं है, ओके? वो एक बैचलर की तरह मिलता है, रिलेशनशिप रखता है लड़की से, सेक्सुअली उसको एक्सप्लॉइट करता है, ओके, काइंड ऑफ चीटिंग। तो इस तरह के भी जो हैं, आप झूठा शादी का वादा करके अगर उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो वो भी अब क्राइम माना जाएगा, ओके? या आप उसको जॉब दिलाने के नाम पर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है? इस तरह की चीजें। लिंचिंग को लेके हमने बात कर ली ऑलरेडी, टेररिज्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है, उस पर भी आगे बात हो जाएगी। ऑर्गेनाइज क्राइम, करप्शन, करप्शन पहले हम किस में आता था, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आता था, लेकिन अभी आईपीसी में भी ऐड होगा। कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट, ये भी हमने देख लिया है। देन ट्रायल इन एब्सेंटिया। अब देखिए, जैसे दाऊद इब्राहिम इंडिया में नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में क्या उसके किए हुए क्राइम के अगेंस्ट ट्रायल नहीं हो सकती? या उसकी जो प्रॉपर्टी है मुंबई में अभी भी है, क्या वो अटैच नहीं हो सकती? तो अब हो सकती है, उसकी एब्सेंस में ट्रायल भी हो सकता है और उसकी एब्सेंस में उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। नेक्स्ट इज ई फाइलिंग ऑफ FIR, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। ट्रायल ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है? ये जो यहाँ पर लाइन लिखी है, दिस इज गुड फॉर योर कंक्लूजन, अगर कभी कुछ ऐसा आता है तो, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा आगे और चीज़ें आएंगी, हम आगे डिस्कस करेंगे अभी पेपर में, ठीक है? यहाँ पर मैंने आपको वो मेजर इशू समझा दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आ गया है टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो
तो देखिए, अब पहले जो सेक्शन नंबर थे उनमें चेंज होगा, बट आपको याद नहीं रखना है एक्सेप्ट दिस मर्डर। पहले 302 में आता था, अब 99 में आएगा। रेप सेक्शन 376, 63 में आएगा। प्रोमोटिंग एनमिटी 153A, ये अब आएगा 194 में। तो ये चार आप याद, तीन आप याद रखिए बस। नाउ देयर इज अ प्रोविजन फॉर डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट विदाउट द बेनिफिट ऑफ पेरोल इफ एन इंस्टेंस ऑफ एलिस टेररिस्ट एक्ट रिजल्ट इन डेथ विदाउट एनी, और अगर डेथ नहीं होती उस टेररिस्ट एक्ट में तो आपको इंप्रिजनमेंट हो सकती है करीब 5 साल से लेके लाइफ की, ठीक है। और अगर डेथ हुई है तो फिर आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट से डेथ पेनल्टी तक हो सकता है, ठीक है। उसका सेक्शन 109 ये बात करता था क्राइम जैसे किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन। अब इसमें और भी चीजें ऐड कर दी गई हैं, जैसे लैंड ग्रैबिंग, अगर आप जबरदस्ती किसी की जमीन पे कब्जा करते हो तो वो सेक्शन 109 के अंदर आएगा। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड साइबर क्राइम, ऑलराइट। ट्रैफिकिंग इन पीपल एंड ड्रग्स ऑल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन। ऑर्गेनाइज क्राइम इफ लीडिंग टू डेथ इज पनिशेबल विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, क्योंकि मणिपुर में जो हो रहा है वो क्या है, वो ऑर्गेनाइज मॉब वायलेंस ही है, ओके। और फाइन नॉट लेस देन 10, ये इम्प्रिजनमेंट फाइन ये सब याद नहीं रखना है आपको, आपको सिर्फ याद ये रखना है कि ये चीजें अब इंक्लूड कर ली गई है आईपीसी में एक्सप्लिसिटली, ऑलराइट। अगर मॉब वायलेंस हो रहा है वहां पे, आपको मर्डर हो रहा है, तो उसके लिए एक्सप्लिसिटली एक अलग सेक्शन बना दिया गया है। पहले उसको नॉर्मली से मर्डर माना जाता था। नेक्स्ट, पेटी क्राइम इज डिफाइंड एज एन इंसिडेंट दैट कॉजेज जनरल फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। पनिशमेंट फॉर द पब्लिक सर्वेंट फॉर करप्शन, ये सेक्शन 253 में आएगा। पब्लिक सर्वेंट सीकिंग टू सेव ए पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और फॉरफिटर ऑफ प्रॉपर्टी कैन गेट इंप्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 years, एंड फ्रेमिंग ऑफ इनकरेक्ट चार्जेस कैन ऑल्सो लीड टू पनिशमेंट अप टू 3 years अंडर सेक्शन 254। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब जानने का, लेकिन एग्जाम में आया तो हमने देख लिया। अब इसरो अपना जो गगनयान मिशन लॉन्च करेगा, मैंड मिशन, उसको लेकर कुछ टेस्टिंग की जा रही है क्रू एस्केप सिस्टम को। जैसे अगर मान लो हमारा क्रू मॉड्यूल जिसमें लोग बैठेंगे, अगर वो ऊपर है और कुछ गड़बड़ होती है तो उस मिशन को अबॉर्ट करना होगा बीच में, राइट। तो फिर क्या होगा कि जैसे अबॉर्ट करेंगे तो उन लोगों को बाहर निकलना होगा वहां से, एंड उनका जो पैराशूट जो भी है उसके थ्रू वो लोग वापस जमीन पर लैंड करेंगे। तो उसी को टेस्ट किया जा रहा है। द फर्स्ट टेस्ट व्हीकल मिशन विल चेक द प्रोसेस ऑफ अबॉर्टिंग द मिशन मिड एयर, द पैराशूट सिस्टम एंड द रिकवरी ऑफ क्रू मेंबर फ्रॉम द मॉड्यूल आफ्टर स्प्लैश डाउन, राइट। और ये जो टेस्ट व्हीकल है वो है सिंगल स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट, और ये जो हमारा गगनयान मिशन है वो सब ऑर्बिटल लेवल पे काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही शेमफुल बात है कि अब देखिए अब बात करते हैं कि क्यों है ये रिजर्वेशन, क्यों है ये सब। तो देखिए जब तक कास्टिज्म है तब तक रिजर्वेशन भी है। नाउ सी, कास्ट हैरेसमेंट को लेकर कुछ कंप्लेन फाइल की गई थी स्कूल में, तो उन पर घर में घुसकर अटैक किया कुछ स्टूडेंट्स ने, एक 17 साल के लड़के और उसकी 14 ईयर की बहन को, ओके, विद सिकल्स, दोनों को काफी कट मार्क्स आए। अब सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ पर क्या चलता है, तिरुनेलवेली जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां पर क्या चलता है, रिस्ट बैंड पहन के जाते हैं बच्चे स्कूल अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग, लड़कियां बिंदी लगाती हैं अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत शर्मनाक बात है आज के टाइम में भी। अब बात करते हैं विश्वगुरु बनने की, एंड दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। तो यहाँ पर मुझे आपको ये से वैसे एग्जाम्पल है जिनको आपको कोट करना होता है एथिक्स के पेपर में। ट्रिनेल विली हैज बीन इन फेमस फॉर कास्ट क्लैशेस इन स्कूल। स्कूल लेवल पर ये चीजें हो रही हैं, ऐसा भी नहीं है कि बड़े लोगों में हो रही है। तो अब आप बताइए कि ये कौन परपिचुएट कर रहा है, कौन बच्चों के दिमाग में भर रहा है, भर तो आपके बड़े लोग ही रहे ना, आपके घर से शुरू होता है ये सब। तो ये बहुत शेमफुल एक्ट है। सी हियर, इन 2015 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैंड द यूज ऑफ कलर्ड रिस्ट बैंड एंड अदर सिंबल्स दैट आइडेंटिफाई कास्ट इन स्कूल्स फॉलोइंग इंक्रीज्ड वायलेंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लाइक रिस्ट बैंड, स्टूडेंट वुड स्पोर्ट तिलक एंड बिंदीज इन डिफरेंट कलर, फॉर एग्जाम्पल रेड एंड ग्रीन फॉर दलित गर्ल्स, येलो एंड रेड फॉर थेवार्स, दीज थेवार्स कम इन ओबीसी। तो जस्ट सी द लेवल ऑफ वायलेंस जो हो रहा है, ठीक है।
ये कोई पहला केस नहीं है इस डिस्ट्रिक्ट में या स्कूल में, ओबीसी थेवार कम्युनिटी। ओके, तो आप घर पे बच्चों के दिमाग में क्या भर रहे हो उसका असर होता है। राइट, सो जितनी बात हमारे देश में रिजर्वेशन सिस्टम की होती है, उतनी बात अगर कास्टिज्म पे हो पहले तो ज्यादा बेटर होगा। एनीवे, मैंने आपको टीवी एलिमिनेशन पर पूरा एक मीन्स पर्सपेक्टिव्स, मीन्स ओरिएंटेड वीडियो बना के दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि अब ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए क्या बन रहा है, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, कि ड्रग्स असर नहीं कर रही है। ओके, एंड आई टोल्ड यू कि वर्ल्ड का 27% टीबी बर्डन हमारे देश में, 27%। ठीक है, आप टीबी की कैपिटल कह सकते हो इंडिया को। तो और उसी के साथ मैंने आपको द हिंदू के एक एनालिसिस में ये भी बताया था कि जो नया मेथड आया वो ज्यादा इफेक्टिव है। WHO रेकमेंडेड यूज ऑफ BPAL रेजिमेन फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट विच ऑफर्स ए मच हायर सक्सेस रेट ऑफ 89%, रिड्यूसेस द पिल बर्डन टू ओनली 3 to 4 पिल्स अ डे एंड शॉर्टन्स द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। और क्योंकि जब ड्यूरेशन शॉर्ट होगा तो एनुअल सेविंग्स सेविंग्स भी होंगी। ठीक, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, मैंने उसको पूरा डिटेल में कवर किया है। सिर्फ आपको जो नया एडिशन करना है उस वीडियो में, क्योंकि ये न्यूज़ उसके बाद आई थी, तो आप ये चीज़ ऐड कर लीजिएगा, दिस ट्रीटमेंट BPL। नेक्स्ट, देखिए यंग साइंटिस्ट को क्या अवार्ड दिया जाता था, भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो इसको गवर्नमेंट ने ना तो लास्ट ईयर अनाउंस किया और ना ही इस ईयर करने के मूड में दिख रही है। तो ये जो यंग साइंटिस्ट है ना, उनके लिए एक ये बहुत ही डीमोटिवेटिंग चीज हो जाती है। ऑन September 26 द फाउंडेशन डे ऑफ CSIR बाय रिकग्नाइजिंग वर्क ऑफ साइंटिस्ट बिलो एज ऑफ 45। तो दिस इज फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि ये अवार्ड दिया जाता है सिर्फ 45 ईयर से यंग साइंटिस्ट को। और शांति स्वरूप भटनागर थे कौन, तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ CSIR। सिंस 1958 ये अवार्ड दिया जा रहा है, बट लास्ट ईयर CSIR फाउंडेशन डे वेंट बाय विदाउट दिस सेंटरपीस इवेंट। लिस्ट ऑफ अवार्डी वॉज रिपोर्टेडली डिसाइडेड बट नॉट अनाउंस। लास्ट ईयर लिस्ट तो अपने बना ली थी कि किसको देना है, बट पता नहीं क्यों अनाउंस नहीं किया। फिर गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इसमें कुछ क्राइटेरिया जो है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, वी आर वर्किंग ऑन न्यू स्ट्रक्चर ऑफ साइंस अवार्ड। बट क्योंकि ये CSIR दे रहा है, तो गवर्नमेंट को इसकी ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए था। और अगर आपको ये करना भी है चेंजेस, तो फिर आप जल्दी कीजिए, आप 2 साल से अवार्ड नहीं दे रहे हो। ओके, ये वो साइंटिस्ट है जो 10 10 साल अपनी लाइफ के एक रिसर्च पे खर्च करते हैं, जो बाहर नहीं जाते हैं इंडिया से रिसर्च के लिए, जबकि ऑफर्स होते हैं उनके पास। तो ऐसे साइंटिस्ट को आपको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। रीडिजाइन द क्राइटेरिया फॉर रिकग्नाइजिंग द टैलेंट। CSIR ऑटोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हो और मिड करियर स्कॉलर को भी डिप्राइव कर रहे हो, क्योंकि जो नए स्कॉलर हैं जो अभी 20 25 हैं वो तो मूव ऑन कर जाएंगे, बट जो ऑलरेडी 40s में है, 35 में, वो उनको आप मिड करियर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ओके, और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा अवार्ड है। इसके अगर आप रेसिपिएंट देखेंगे तो विक्रम सारा भाई थे, माधव गाडगिल, CNR राव। ओके, CNR राव इज आई थिंक भारत रत्न रेसिपिएंट ऑल्सो। इसका काम क्या है, रिकग्नाइज टैलेंट अर्ली, दो देयर इज स्कोप फॉर रिफॉर्म इन सिलेक्शन प्रोसेस। ऑलरेडी हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी वो कंप्लेन कर चुकी कई बार। अभी हमने चंद्रयान 3 मिशन सेलिब्रेट किया, बट इसरो के इंजीनियर्स ने बाद में बताया कि हमें 18 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। तो ऑलरेडी फंड्स को लेके इतना डिले होता है, और आप साइंटिस्ट को अवार्ड जो मिल रहा है उसमें भी अगर डिले कर रहे हो, तो आप उनको फोर्स कर रहे हो कि आप जाइए प्राइवेट सेक्टर में जाइए, फॉरेन जाइए, तो आप ब्रेन ड्रेन को और बढ़ावा दे रहे हो। देर आर इश्यूज ऑफ फंडिंग डिले, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस, डी स्प्रिटिंग दोस्त हु वर्क अंडर सच कंडीशंस। गवर्नमेंट डिसकंटिन्यूड नियरली 300 अवार्ड्स एंड फेलोशिप लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इन्होंने 300 से ज्यादा अवार्ड और फेलोशिप जो मिलती थी रिसर्च के लिए वो डिसकंटिन्यू किए। दिस रिजल्ट इन कंट्री लूजिंग आउट ऑन प्रॉमिसिंग टैलेंट। ऑल राइट, फिर लोगों को दूसरे देश में जाना पड़ता है। तो इससे अल्टीमेटली हमारा पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनवायरमेंट इकोसिस्टम ही खराब होता है। एक तरफ आप बात करते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि हमें रिसर्च को बढ़ावा देना है, आप NRF लेकर आए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, की हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे, बट दूसरी तरफ अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हो जिससे आपके यंग साइंटिस्ट डिस्करेज हो रहे हैं, तो फिर ब्रेन ड्रेन होगा आपका। हमारा टारगेट है कि हम एक नॉलेज इकोनॉमी बनना है, और ये ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, जो हमारा टैलेंट फॉरेन जा रहा है, उसको कंट्रोल करना है। और खुद नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी ने लास्ट ईयर कहा था, कंट्री हैज नॉट सेलिब्रेटेड द वर्क ऑफ साइंटिस्ट एज मच एज इट शुड हैव डन। तो आप तो अपनी कही हुई बात की ही अगेंस्ट काम कर रही है आपकी गवर्नमेंट। फिर
फिर ये आर्टिकल आपके काम का नहीं है, ये आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने लिखा है, तो आप समझ सकते हैं गांधी नेहरू की बुराई के अलावा कुछ नहीं होगा। एनीवे, बट आपको आपके प्रीलिम्स में इस तरह की बातें पूछ ली जाती है कि हु कॉल्ड द माउंटबेटन प्लान एज ए वुडन लोफ विच इज डिफिकल्ट टू ईट एंड इम्पॉसिबल टू डाइजेस्ट। तो गांधी जी ने माउंटबेटन प्लान को वुडन लोफ कहा था। ओले, एंड ये एक लाइन है जो कभी यूज करने का मौका मिला आप जरूर कीजिए अपने ऐसे में। हिस्ट्री टीचेज लेसन नॉट टू रिवर्स इट बट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रिपीटिंग। ऑलराइट, फिर यहां पर इन बिल्स को लेकर ही है, लेकिन हमने हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जितना जानना है हमने वो सब जान लिया है। बाकी की जो चीजें और रह गई होंगी इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, ओके, ताकि हम उसमें जो भी हमारे एग्जाम में जो भी पॉइंट जो भी सेक्शन काम का हो सकता है हम उस पर बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स के वीडियो में वो पूरा मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, या तो आज रात तक या फिर कल। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें जो पूछा जाता है यूपीएससी में वो पूछा जाएगा कि इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, ठीक है, इनके सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इससे क्या चेंजेस आ सकते हैं, और अगर कुछ है भी तो इनमें अभी भी क्या चैलेंजेस रह गए हैं, क्या लूप होल्स रह गए हैं। ठीक है, तो आप इस पूरे पेज को लाइन बाय लाइन पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसको मैं आपको कवर करवा दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट इज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट क्वैशेज जजमेंट रिव्यू लॉ, ये सब आपके काम का नहीं है। यहाँ पे फैक्ट्री आउटपुट जो है वो 3 मंथ लो पे चला गया है, और आपको याद ये रखना है कि हमारा ये जो पब्लिश कौन करता है तो एनएसओ करता है। आईआईपी इंडेक्स में 3 चीजें होती है, MEM, ठीक है, माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग, बस इतना ही जानना है आपको। बाकी की सब चीजें माइनर डिटेल्स हैं, इसमें और कुछ नहीं जानना है। ठीक है, तो आप और नेक्स्ट में हमारा जो भी काम का था हमने डिस्कस किया, उसके अलावा भी जो काम का रह जाएगा उसको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू कवर कर दिया जाएगा। जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन रैंडम वीडियोस, उतना आपको जरूरी नहीं है। ओके, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे।